हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक सिलेंडर और उसमें कुछ लेवल तक पानी भरा हुआ है। उसकी हाइट जो है पानी की वो एच आई है, शुरू में मान लेते हैं इतना है पानी भरा हुआ है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि स्फेयर डालते हैं जिससे उसकी हाइट में जो इंक्रीजमेंट होती है वो एच एफ हाइट की सेंटीमीटर की जो होती है इंक्रीजमेंट हो जाती है, जिसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 32.9। तो स्फेयर और जो स्फेयर डालते हैं उसका हमें डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें पूछा ये है कि जब हम स्फेयर को इसमें डालते हैं तो इसके जो पानी में मतलब इसके लेवल में जो वाटर लेवल में जो इंक्रीजमेंट होता है वो हमें दिया हुआ है। और हमें पूछता ये है कि इस जो सिलेंडर है इसके इसका डायमीटर क्या है, मतलब कि हम अगर रेडियस फाइंड कर लें तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब कैसे निकालते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अगर हम किसी चीज़ में, अगर किसी पानी में या किसी भी द्रव्य में कोई वस्तु डालते हैं तो वो अपने जो वस्तु होती है वो अपने आयतन के हिसाब से, मतलब आयतन के बराबर जो उसका द्रव होता है वो ऊपर चलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है ना, उसी के हिसाब से हम इसको लगाएंगे कि जितना ये वाटर लेवल ऊपर जाएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे स्फेयर के बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज इसमें करने वाले हैं। तो रेडियस ऑफ स्फेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है और वैल्यू ऑफ स्फेयर हम जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे आर एस हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसके रेडियस को आर एस माना है। चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 4/3 पाई आर एस क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एस। हमने आपको पहले बताया कि जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा ये अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम का वाटर जो है वो ऊपर हो जाएगा, मतलब कि वाटर कितना ऊपर, पहले इतना था यहाँ तक इसका लेवल था, यह वाटर आपका भरा हुआ था, फिर जब हमने इसको डाला तो ये आपका वाटर यहाँ तक चला आया, ये आप इंक्रीजमेंट। तो हमें नीचे से नहीं मतलब है, जितना हमारा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, हमारा इंक्रीजमेंट इतना ही हुआ है। तो हम जितना इंक्रीज हुआ है वो एक सिलेंडर के रूप में इंक्रीज होगा, पानी क्या होगा सिलेंडर के रूप में ऊपर चढ़ेगा। तो बस उतने ही सिलेंडर का हम निकालेंगे क्या वॉल्यूम, और वो हमारे स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं, 4/3 पाई आर एस क्यूब और ये इक्वल होगा, ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम का इक्वेशन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर सी हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये आर सी जो है इसका जो ये जितना पानी ये ऊपर उठेगा इसका जो रेडियस होगा वो हमारे सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगा, और एच एफ जो हमारा इंक्रीजमेंट है वो हमने एच एफ माना हुआ है। और ये बराबर कैसे होगा, हमने आपको बताया आर्किमिडीज के सिद्धांत से ना, जितना आयतन गोले का होगा उतना ही जो पानी ऊपर उठेगा उसका आयतन होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, बस 4/3 पाई और आर एस की वैल्यू 6 है स्फेयर की, ये दिया हुआ है, और आर सी की वैल्यू यही हमें फाइंड करना है, आर सी ये हमें फाइंड इसका इस डायमीटर फाइंड करना है सिलेंडर का। तो हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे, और आर एच एफ की वैल्यू हमें दी हुई है, ये दी हुआ है कि ऐसे दिया हुआ है, तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए पाई साइड भी है, पाई साइड भी है तो पाई हम काट देंगे, तो अब ये 6³ हो गया, और ये 9 जो है नीचे है, ये 3 होकर इधर चलाएगा और 3.2 नीचे 32 इधर चलाएगा, आर सी इधर रहेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करते हैं, 4 × 4 = 32 और 3³ = 9, ये हो गया 4² 32 3³ = 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा, और यहाँ से हमें आर सी मिल गया, आर सी मतलब कि रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से हम इसका वो फाइंड कर सकते हैं डायमीटर, तो ये 18 सेंटीमीटर क्या होगा इसका डायमीटर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि एक हमारा छिन्नक है, एक तुर्की टोपी है जो छिन्नक के आकार है। छिन्नक मतलब फ्रेंड्स, अगर आप कोन जानते हैं ना, कोन को अगर ये कोन हो गया हमारा, अगर इसको हम एक प्लेन से कट कर देते हैं, अगर एक प्लेन से ऐसे कट कर देते हैं तो हमारा कुछ शेप इस तरीके का बचता है ना, तो इस तरीके की जो शेप बनता है इसी को हम बोलते हैं छिन्नक। तो हमें एक तुर्की टोपी दी गई है, उस वो छिन्नक के आकार का मतलब इस तरीके का, और इसमें हमें जो नीचे वाला सिरा है इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला जो सिरा ये कटा हुआ ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है इसका जो ये क्या कहते हैं इसको, ये तिर्यक ऊंचाई जो है वो यल दिया हुआ है, यल दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें पूछ ये रहा है कि जो हमारा ये छिन्नक है इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इमेजिन कर लेते हैं, अगर ये पूरा बना लेते हैं, हम इसमें दिया इतना ही है लेकिन हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि जो हमारा
ये था पूरा शंकु के टाइप का, अगर होगा कोन के टाइप का तो इस तरीके से होगा, जिसका हमने मान लिया, हमें यल तो केवल यहीं तक दिया हुआ है छिन्नक का ही, तो हमने इसका यहाँ से ए सी आपको मान लिया यल वन है, और हमें आर वन तो इसका दिया ही है, मतलब कि इस जो शंकु ये ऊपर वाला कोन होगा इसका रेडियस हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा छिन्नक है, मतलब कि ये वाला जो है इसकी हाइट जो है एच है, और जो हमने ऊपर इसको माना है वो हमारा क्या है एच वन, जो कि है नहीं लेकिन हमने इसको इमेजिन किया हुआ है कि ऐसे होगा, तो एच वन इसकी हाइट है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम आपको बता दें कि जो एंगल, जो ट्रायंगल आपका ए बी सी होगा, या आप मान लो कि ट्रायंगल ओ सी मान लेते हैं, वैसे ट्रायंगल हम मान लेते हैं ए ओ सी, क्या ए ओ सी और ट्रायंगल ए, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ई एम, सॉरी तो ई एम, ए एम क्यू मान लेते हैं, ए एम क्यू सॉरी फ्रेंड, तो हम मान लेते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल ए एम क्यू, ए एम क्यू हमारे क्या होंगे सिमिलर ट्रायंगल होगे भी, क्योंकि ये एंगल दोनों में ये एंगल जो होगा कॉमन होगा। फ्रेंड्स हमने किसको किसको माना, ए ओ सी और ए एम क्यू, मतलब कि ये वाला एंगल हमारा दोनों में कॉमन होगा, और ये 90 और ये 90 होगी, तो इसलिए सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। अगर सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो हमने आपको प्रॉपर्टी पहले भी बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आप जाके देख सकते हो, ट्रायंगल में हमने बताया हुआ है। तो क्या होगी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा उसके इस साइड, मतलब कि बड़ा वाला ट्रायंगल की ये साइड क्या होगी, एक ही साइड क्या होगी एल, और एल वन जुड़ जाएगा, और ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की छोटी वाली साइड एल वन का जो रेशियो होगा वो बड़े वाले ट्रायंगल के इस बेस, मतलब कि आर का और इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस आर वन का रेशियो इक्वल होगा, हमने पहले ही बताया। तो यहाँ पे हम केवल वैल्यू पुट करते हैं, बस अब एल की वैल्यू क्या है 15, एल वन अपॉन एल वन, आर आर की वैल्यू क्या है हमारे 10, 10 सेंटीमीटर लिखते हैं, और हमारा आर वन क्या है, आर वन 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम अगर उसको सॉल्व करके एल वन की वैल्यू निकालें तो हमारे पास एल वन आता है 10 सेंटीमीटर, कितना आता है एल वन 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हमने किया क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से, हमें छिन्नक दिया हुआ था, ये छिन्नक है समझ लीजिए हमारा, तो इसके ऊपर का भाग था नहीं क्योंकि ये टोपी थी, तो हमने इसका ऊपर का भाग इमेजिन करते हैं, हम मान लेते हैं कि ऊपर तक एल वन इसकी त्रिक ऊंचाई थी और कुछ इस तरीके से ऊपर बना हुआ था, मानते इसलिए क्योंकि हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हम इसको इमेजिन कर लेते हैं, ये रेड वाला जो रेड पेन से बना हुआ है उसको हम इमेजिन किए हुए हैं ब्लैक पेन से, वास्तव में ये है। तो हम इसमें अब देखते हैं ए ओ सी और ए एम क्यू हमारा सिमिलर ट्रायंगल है, और उसके बाद हम जो इसके साइड के रेशियो हैं उनको इक्वल करते हैं, तो एल एल बड़ी वाली जो ट्रायंगल होगा उसका होगा एल प्लस एल वन, और छोटी वाली का एल वन होगा, और बड़े वाली का जो बेस होगा आर होगा, छोटे वाले का आर वन होगा। तो अब इक्वल करते हैं, केवल वैल्यू रखते हैं, तो हमें मिलता है एल वन बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं आगे, इसमें लिखा है कि छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है, छिन्नक का मतलब केवल इतने का वक्र पृष्ठ हमें निकालना है, केवल इतने का, तो इतने का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो हम पहले पूरे का फाइंड करेंगे और पूरे में से ये छोटा वाला निकाल देंगे तो हमें इतना वक्र पृष्ठ आ जाएगा इसका, तो समझाए फ्रेंड। तो पहले हम पूरे का निकालते हैं फिर इतना निकाल देंगे तो इतना हमें फाइंड हो जाएगा। तो चलते हैं, तो सबसे पहले पूरे का क्या होगा, पाई हम जानते हैं कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल मतलब जो त्रिक ऊंचाई होती है, त्रिक ऊंचाई क्या होगी, अब पूरे का हम निकाल रहे हैं तो एल प्लस एल वन हाइट हो जाएगी, यहाँ पे एल प्लस एल वन माइनस छोटे का, छोटे की रेडियस कितनी है आर वन, और एल वन इसकी त्रिक ऊंचाई है। तो अब केवल हम वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू यहाँ से देखते हैं कितनी है 10, और एल एल की वैल्यू 15, और एल वन की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 10 4, और यहाँ पे आर वन की वैल्यू है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, और एल वन की वैल्यू है 10 हमने फाइंड किया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके तो हमारा इतना आएगा, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं तो इतना इसको काट देते हैं तो इतना हो जाता है इतना। तो फ्रेंड्स ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हो स्क्रीन पर, उसमें लिखा गया है कि एक अर्धगोला, एक शंकु और एक बेलन समान आधार पर रखे हुए हैं, जिनकी ऊंचाई क्या है, समान है, मतलब कि ये आपका अगर ये है अर्धगोला, मतलब कि सेमी स्फीयर अगर ये है तो इसकी जो ऊंचाई है ये हाइट आर है, अगर ये कोन है इसकी हाइट क्या है आर है, अगर ये शंकु ये आपका बेलन है, ये मैंने इसको बनाया हुआ है सिलेंडर, तो इसकी भी हाइट क्या है आर है। तो फ्रेंड्स सबको पता चल गया ना कि स्फीयर का हाइट और मतलब स्फीयर का रेडियस ही होगा, तो रेडियस ही होगा, और कोन का रेडियस इतना होगा और इसका ये होगा। अब फ्रेंड्स हमें निकालना है इन जो ये सब शेप्स हैं इनका रेशियो क्या होगा वॉल्यूम का। तो पहले हमें शंकु लिखा हुआ है, फिर
अर्धगोला लिखा हुआ है, फिर बेलन लिखा हुआ है। तो शंकुमारक क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम लगाते हैं 1/3 पाई आर, आर क्या है रेडियस स्क्वायर, एच क्या है इसका आर ए भी है तो आर लिखा, फिर रेशियो में लगाते हैं। क्योंकि पूरे गोले का होता है जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये इतना होता है। लेकिन क्योंकि अर्धगोला है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 बन जाएगा, पाई आर क्यूब क्या है इसका रेडियस आर क्यूब हो गया। अब हम आते हैं सिलेंडर की तरफ, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर इसका रेडियस क्या है आर, आर स्क्वायर एच क्या है हाइट आर, क्योंकि हाइट सब आर इसलिए आ रही क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाइट सबकी बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी पाई आर क्यूब, यहाँ पे भी पाई आर क्यूब, यहाँ पे भी पाई आर क्यूब, तो हम सबको काट देते हैं, सब कट गया तो बचा हमारे पास कहाँ से 1/3 यहाँ से बचेगा, 2/3 यहाँ से, और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देते हैं। फिर हम 3 से गुणा कर देते हैं सब में, क्योंकि बेस में क्या है 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे, इधर 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा और इधर 3 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स मैंने आज मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन बताए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।